फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है और देख सकते हैं बाहर मौसम कितना साफ है। सूरज भगवान अभी नहीं निकले हैं, बादल साफ है, बिल्कुल हल्की हल्की लालिमा छाई हुई है चारों तरफ। यह है हमारे तुलसी माता जी का पौधा और चारों तरफ ग्रीनरी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं छत से व्यू कैसा है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको अपने घर के बैक साइड का पूरा लोकेशन कैसा है। और देखिए यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं योगा, तो ये रनिंग करके आ चुके हैं मॉर्निंग में और उसके बाद योगा कर रहे हैं। और छत में थोड़ा काई वगैरह इसलिए होगा क्योंकि पानी वगैरह काफ़ी रुकता है, तो लगातार बरसात के उससे काफ़ी ख़राब हो चुका है छत का एरिया और इस वजह से थोड़ा पानी भी अंदर रूम में टपक रहा है। तो अब जब बरसात चली जाएगी तो उसके बाद कराना है इसको रिपेयर, तब कराएंगे। और दूर तक आज पहाड़ों में भी जो है मौसम क्लियर लग रहा है क्योंकि साफ दिखाई दे रहे हैं पहाड़। और नीचे सब धान जो है वो पक चुके हैं, तो अभी दिवाली से पहले धान कटाई हो जाती है, बट बरसात के उससे जो है काफ़ी मतलब यह है कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा पानी है अभी, तो जब पानी सूखेगा तो उसके बाद धान कटाई का काम शुरू करेंगे। तो हो सकता है दिवाली से पहले सबके धान कट जाएं और काम निपट जाएगा। तो फाइनली आज मौसम साफ हो गया है बहुत दिनों के बाद और चंदा मामा अभी दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी खुला नहीं है मौसम इतना कि धूप आए, तो इसलिए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे और बना लेते हैं बच्चों के लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड करते हैं अपना योगा क्योंकि वो 1 घंटा पूरा करेंगे योगा। तो हम चलते हैं नीचे और करते हैं अब फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी, वरना लेट हो जाएगा बच्चों के लिए स्कूल को। तो फाइनली मेरी चाय बॉयल हो चुकी है, पक चुकी है और इधर मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। चौकोज रेडी हैं, थोड़े भीगने के लिए रखे हैं अभी, जब तक वो रेडी हो जाएंगे तब तक चौकोज अच्छे से भीग जाएंगे। तो इधर उबल रहे हैं मेरे आलू और आज बनाने जा रहे हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो आज काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुला है तो बच्चे भी एक्साइटेड हैं जाने के लिए। तो बच्चे उठ चुके हैं और रूम के हाल ये हो रहे हैं क्योंकि डेली बरसात हो रही थी तो छाता सुखाने के लिए रखी थी, तो मैं अभी इसे क्लोज कर रही हूँ क्योंकि अभी आलू अच्छे से पके नहीं हैं, तब तक मैं थोड़ा बाहर का एरिया समेट देती हूँ। आलू हो चुके हैं बॉयल, अब फटाफट से आलू को छील लेते हैं, मैश करके बनाते हैं पराठे। टुकटुक आ चुका है और बच्चे जा रहे हैं और हमारा डॉगी जो है सबसे पहले चला जाता है छोड़ने के लिए, लेकिन कहना मानता है बाहर निकल गया है बट आ जाएगा अंदर। और कोई भी गाड़ी आ जाए A to Z तो उसके पीछे से भागना बहुत ज़रूरी है,
जब तक वो घर के आगे चली ना जाए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से रनिंग कर रहा है ये, और इसका डेली का ही है कि कोई बाइक साइकिल कोई भी कार गाड़ी कुछ भी अगर जा रहा है तो ये ऐसे जंप करता है कि पूरी बाउंड्री क्रॉस कर जाए ये जंप करके। और बाहर का मौसम देखिए, धूप की किरणें दिखाई देने लग गई हैं, सूरज भगवान ने दर्शन दे दिए हैं और आसमान एकदम क्लियर है, साफ है। तो बारिश तो आज नहीं होगी और फाइनली धूप आ जाएगी आज, तो जितने भी कपड़े फैले हैं अंदर वो सब सूख जाएंगे आज फाइनली। तो फाइनली फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है फिनिश, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है, और सारा काम निपटते निपटते बज गया है 11। तो अभी हस्बैंड भी चले गए हैं अपने काम से और दादी पापा लोग गए हैं अपने काम से ट्रेजरी तक। तो अब मैं थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी वीडियो, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए ब्लॉग को। बाय बाय।